Hi everyone, I'm Divit Pande and I'm a theatre artist. Currently I'm doing mass communication from University of Lucknow. मैं ग्रेविटी रियलम एंटरटेनमेंट में इंटर्नशिप कर रहा हूँ एंड आई मस्ट टेल यू कि मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे कितना अच्छा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी मुझे लगभग एक महीना होने को आ रहा है और ऐसे लोगों के बीच में रहना जिनकी नॉलेज से लेके एक्सपीरियंस इतना अच्छा हो, तो आप खुद ये सोचिए कि आपको कितना कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने लाइटिंग सीखी है, कैमरा हैंडलिंग सीखी है, थोड़ी बहुत चीज़ें सेट डिज़ाइनिंग की भी सीखी, स्टोरी का समझना और उसको अपने अंदर उस तरीके से बिठाना जहाँ पे जो चीज़ लानी है दर्शकों के सामने वो आसानी से निकल पाए। उसके लिए एक बहुत बड़ा कारण होता है कहानी का अपने अंदर, उसको अपनी पोजीशन उसके अंदर समझना, उस कहानी के अंदर समझना। और यहाँ का जो इंटर्नशिप की जो कहूँगा मैं एक तरीके से पढ़ाई है जो हम सिखाई जाती है, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो स्टोरी टेलिंग का कोर्स था वो मेरे लिए बहुत ही लाभदायक था। उससे एक्चुअली में मुझे समझ में आया कि एक स्टोरी को एक फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कह लें एक बेसिक स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैसे ढंग से समझा जाए। हर एक कैरेक्टर की, हर एक सिनारियो की, हर एक सिचुएशन की जो कुछ भी छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल से लेके और बड़ी बड़ी चीज़ों तक हर चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि इस पढ़ाई के अंदर सारा सब कुछ आपको एक बारी में समझ आ सकता है। अब जाहिर सी बात है अपना ध्यान लगाने की ज़रूरत तो होती है, पर हाँ पढ़ाने का तरीका भी मायने रखता है और पढ़ाने का जो तरीका है यहाँ का मैं कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा है। यहाँ पे हर उस छोटी से छोटी चीज़ से लेकर उस हर एक बड़ी चीज़ तक जो कि एक मूवी बनाने में या फिर एक शो बनाने में या एक सिंपल सा इंटरव्यू रिकॉर्ड करने में जो इतनी बड़ी महिमा निभाता है, उसको कहा जाए तो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया जाती है। मैं फिर वही कहूँगा कि यहाँ माहौल ही वैसा है कि काम और जो एक्चुअल चीज़ आपके जो भी आपको आगे करना है उसमें अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको उसके पीछे भागना पड़ेगा। और कहना चाहूँगा कि यहाँ आपको पकड़ के रखने वाला या पीछे खींचने वाला कोई नहीं। यहाँ सब आपको आपकी लिमिट तक पुश करेंगे और लिमिट तक पुश करने के बाद उसके आगे और पुश करेंगे ताकि आप अपने कंफर्ट जोन से निकल पाएँ, आप वो चीज़ें एक्सप्लेन कर पाएँ लोगों को या फिर अपने खुद के एक्सपीरियंसेस में वो चीज़ डाल पाएँ जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज़रूरी है। अगर ग्रेविटी रियलम एंटरटेनमेंट को अगर मुझे डिस्क्राइब करना हो तो मैं कहूँगा कि वो मैं कहूँगा कि वो ग्रोथ है। ग्रोथ हर एस्पेक्ट से है, पर्सनालिटी वाइज भी, एज एन आर्टिस्ट भी, जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में आपकी ग्रोथ स्टेप वाइज कह लो या फिर जैसे ना दर दर आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो मैं कहूँगा कि ग्रोथ एक ऐसा शब्द है यहाँ के लिए, ग्रेविटी एंड ग्रोथ। लेट मी टेल यू वन थिंग, अखिलेश सर की जर्नी भी बहुत आसान नहीं थी एंड जैसा कि हम सब जानते हैं कि उनका जो एक्सीडेंट हुआ था, हर कहते हैं ना वो एक हर स्टोरी में हीरो का एक टर्निंग पॉइंट होता है। अब उस पॉइंट को कोई आदमी अपने अंदर लेके बैठ जाए, कोई डीमोरलाइज हो जाए या फिर उसी पॉइंट को अपना एक जिसको कहना चाहिए अपनी विल पावर स्ट्रांग रखकर उस चीज़ को अपने ऊपर इफेक्ट ना होने दे, उन बुरी बातों से अपने ऊपर कोई इन्फ्लुएंस ना पड़ने दे और वो आगे बढ़ता चला जाए, उसी को हम हीरो मानते हैं एक लेमैन की भाषा में कहे तो अखिलेश सर के लिए कहते हैं ना कि अपनी स्टोरी में अपना हीरो बनना, अखिलेश सर वही हैं एंड वो अपनी ग्रोथ के साथ साथ दूसरों को भी साथ लेके चलना वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि एक हीरो ना अपने आप को बढ़ावा नहीं देता, वो अपने इर्द गिर्द आसपास के लोगों को भी बढ़ावा देता है, उनको भी पुश करता है कि तुम भी अच्छा करो। तो मैं तो उनके अंदर इंटर्नशिप कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जैसा जो चीज़ मुझे चाहिए थी कि कहीं मैं इस तरीके से काम करूं या फिर कह लें कि मुझे इस तरीके का माहौल चाहिए काम करने के लिए, मतलब जो पर्टिकुलरली मेरा माइंड जिसमें कंफर्टेबल है वो एक कंफर्ट लाना एक वर्क प्लेस पे उसकी पूरी जिम्मेदारी वो लेते हैं। अच्छा, उनके पढ़ाने का तरीका या फिर कह लो उनके समझाने का तरीका, काम करवाने का तरीका, हर चीज़ में ना एक सिंपल अप्रोच है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि काम में आपको वो चीज़ नहीं दिखेगी कि यार ये इतनी सिंपलिसिटी के साथ हो रहा है अगर आप बिहाइंड द सीन्स देखो तो, बट उसमें आपको लगेगा कि इतनी मुश्किल चीज़ इतनी आसानी से कर देना वो सबसे बड़ी बात है। तो मैं उनके लिए ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत स्किल्ड हैं, बहुत ही एडेप्ट हैं एंड विटी भी हैं और बहुत अच्छा नेचर है।